दोस्तों, किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा दयालु था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उस राजा की 4 बीवियां थी और वो उनसे बेहद प्यार करता था। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था, लेकिन फिर भी उसकी बीवियां उससे खुश नहीं रहा। आज मैंने आपके लिए खुद रस मलाई बनाई है, जरा खाकर बताइए ना कि कैसी बनी है। अरे वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट रस मलाई बनाई है तुमने। मैंने तो कसम से आज तक ऐसी रस मलाई खाई नहीं है कभी। रहने दीजिए, आपको तो ढंग से हमारी तारीफ भी करनी नहीं आती। नहीं, वाकई लाजवाब बनी है। पहले जब नई नई शादी हुई थी तो कितने अच्छे से हमारी तारीफ किया करते थे आप, और अब। अरे नहीं, अरे रहने दीजिए, अब आपकी तारीफों में वो पहले वाली बात नहीं थी। कुछ ना कुछ शिकायत करती रहती थी। आज मैं आपके लिए राजमा चावल बना रही हूँ, जरा खाकर बताइए नमक ठीक है। क्या खुशबू है, लाजवाब। मैंने तो आज से पहले ऐसे राजमा चावल कभी नहीं खाए। अरे मैं पूछ रही हूँ नमक कैसा है, मेरा व्रत है, अभी तो तड़का लगाना है। क्यों झूठी तारीफें कर रहे हैं, ये बताइए नमक कैसा है, ज्यादा तो नहीं पड़ गया। बस थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। ठीक ठीक है, जब कम होता है तो आप कहते हैं फीका है, जब डाल दो तो आपको ज्यादा लगने लगता है। मेरा मतलब था, रोज रोज की इन शिकायतों से राजा अब तंग आ चुका था। क्या सोच रहे हैं राजन, किन ख्यालों में गुम है? बस आप लोगों के बारे में ही सोच रहा था। चल, आपने ये कह के इस बात का मजा खराब कर दिया। अरे, अब इसमें मैंने क्या कह दिया ऐसा? हमें लगा आप हमारे बारे में ही सोच रहे होंगे। खैर छोड़िए, हम ये कह रहे थे कि हमें पिताजी की याद आ रही है, बहुत दिनों से हम उन्हें मिले नहीं, हम मायके जाना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप जरूर जाइए, आपकी खुशी में तो हमारी खुशी है। देखा, झट से भेजने के लिए हाँ कर दी। अरे देख लिया मैंने, कितना प्यार करते हैं आप हमें। अरे अजी सुनिए, हमें अपने घर और माता पिता की बहुत याद सता रही है, क्या हम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाएं? पर मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगा, ये नहीं सोचा तुमने? एक एक दिन काटना किस कदर भारी पड़ेगा मेरा तुम्हारे बिना, क्या तुम रह लोगी मेरे बिना? ओफो, कितने दिनों बाद हम जा रहे हैं। अरे हम जाते ही कहाँ हैं मायके? रोज रोज इन रानियों की बातों, इनके रोज रोज के नखरों से समझ में नहीं आता। बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। इसी दौरान उसकी प्रजा में से एक बहुत ही भले व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब फांसी का वक्त आया तो लोगों ने राजा से उसकी फांसी माफ करने के लिए कहा, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही भला इंसान था और लोगों की बहुत मदद किया करता था। राजा ने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो। जी हुजूर, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं और मेरी सजा माफ हो जाए। मेरा सवाल थोड़ा टेढ़ा है और ये एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे काफी सालों से बहुत परेशान कर रखा है, और अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा और तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है? जी हुजूर, मुझे मंजूर है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप बताइए क्या सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है? मेरा सवाल ये है कि औरत का दिमाग कैसे काम करता है, समझे? यानी औरत की जो सोच है आखिर कैसे काम करती है, औरत आखिर क्या चाहती है, कैसे सोचती है, तुम समझे मैं क्या जानना चाहता हूँ? जब उस आदमी ने ये सवाल सुना तो एक पल के लिए तो वो भी सुन पड़ गया।
और फिर गहरी सोच में डूब गया। वो काफी देर तक इस सवाल का जवाब सोचता रहा, मगर आखिरकार जब वो इस सवाल का जवाब ना दे सका तो उसने राजा से कहा, महाराज औरत को तो आज तक कोई नहीं समझ पाया, ये तो आप भी जानते ही होंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी औरत को नहीं समझ पाए, मुझे कम से कम 1 साल की मोहलत तो चाहिए होगी महाराज, तो मैं इस सवाल का जवाब आपको जरूर खोज कर बता सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी दिक्कत तो समझता हूँ, हम तुम्हें 1 साल की मोहलत देते हैं, पर अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब 1 साल के अंदर नहीं दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, जाओ। वो आदमी कई महीनों तक इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा, इधर उधर भटकता रहा, किताबें पढ़ता रहा, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। एक दिन एक आदमी ने उसे परेशान देखकर कहा कि भाई तुम जंगल में चले जाओ, वहाँ पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जो कि कई सालों से जंगल में तपस्या कर रहे हैं, वो जरूर अपनी सिद्धि से तुम्हारी समस्या का हल निकाल देंगे। तो बस इतना सुनना था कि वो आदमी बहुत ही मुश्किल सफर तय करने के बाद उन महात्मा तक पहुंच गया और अपनी सारी कहानी बता दी। गुरुदेव, मुझसे राजा ने एक बहुत ही टेढ़ा सवाल पूछा है और उसका जवाब खोजने के लिए 1 साल का समय दिया है, लेकिन मुझे अभी तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल सका। अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए, मैं बड़ी आशा के साथ आपके पास यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझसे पूछा कि औरत कैसे सोचती है, क्या चाहती है, उसका दिमाग कैसे काम करता है। बेटा, मैंने तो दुनियादारी कब की छोड़ दी है और भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब तुम्हारा यह सवाल कि औरत क्या चाहती है, बड़ा पेचीदा सवाल है बेटा, इसका जवाब तो सिर्फ एक औरत ही दे पाएगी, मगर तुम्हें इस घने जंगल में औरत मिलेगी कहाँ। हाँ, यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर दे देगी, वो उस तरफ एक कुटिया में रहती है, तुम उसके पास चले जाओ, बोल देना कि मैंने तुम्हें भेजा है और अपना सवाल भी बता देना, वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर दे देगी। साधु ने उस आदमी को उस चुड़ैल का पता बता दिया और वो आदमी साधु को धन्यवाद देकर उस चुड़ैल से मिलने के लिए चल निकला। जब वो चुड़ैल के पास पहुंचा और उसने चुड़ैल को अपना सवाल बताया तो चुड़ैल बोली, मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ। तो फिर मुझे जल्दी से बता दो, इस सवाल का क्या जवाब है। औरत क्या चाहती है। तुम्हारा सवाल तो दिलचस्प है, पर मैं तुम्हें एक शर्त पे इसका जवाब बताऊंगी, बोलो मंजूर है। क्या शर्त है तुम्हारी। मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब तभी बताऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। हाय, अब वो आदमी सोचने लगा, अगर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता चला तो मैं वैसे भी राजा के हाथों मारा जाऊंगा, तो क्यों ना इस चुड़ैल से ही शादी कर लूं, कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी, फिर मौका पाकर एक दिन इस चुड़ैल के शिकंजे से भी भाग जाऊंगा। तो इसलिए उस आदमी ने चुड़ैल से शादी के लिए हाँ कर दी। अब तुमने मेरी बात मान ली है और मुझसे शादी भी कर ली है और अब तुम मेरे पति हो। तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए एक फैसला किया है कि दिन में मैं 12 घंटे चुड़ैल बनकर रहूंगी और 12 घंटे एक खूबसूरत परी बनूंगी। अब तुम मुझे ये सोचकर बताओ कि तुम्हारे लिए मैं दिन में चुड़ैल बनूं या रात में। अरे मेरे सवाल का क्या हुआ, तुम्हारी जो मर्जी तुम बनो,
मैंने तुमसे शादी भी कर ली है, मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दे दो ताकि मेरी जान बच जाए। मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। अब उस बेचारे ने सोचा, अगर ये दिन में चुड़ैल रही तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा, और अगर रात में चुड़ैल बनी तो मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो उसने बहुत सोचने के बाद चुड़ैल से कहा, जब तुम्हारा दिल करे तुम परी बन जाना, और जब तुम्हारा दिल करे तुम चुड़ैल बन जाना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे सवाल का जवाब तो जल्दी से दे दो। अब तुमने मुझे अपनी मर्जी की छूट दे दी है कि मैं जो मर्जी करूं। तो मैं तुम्हारे इस जवाब से प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए हमेशा ही परी बन कर रहूंगी। ठीक है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर मुझे राजा को क्या जवाब देना है ये तो बता दो। मेरे भोले पति, राजा के सवाल का जवाब भी यही है कि औरत सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहती है। अगर औरत को अपनी मर्जी करने दोगे तो वो तुम्हारे लिए परी बनकर रहेगी, पर अगर तुम उसे अपनी मर्जी नहीं करने दोगे तो वो चुड़ैल बनकर रहेगी। तो दोस्तों, सुना आपने? आप में से जो लोग शादीशुदा हैं और इस कहानी को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और किसके साथ रहना है, एक चुड़ैल के साथ या फिर एक परी के साथ। दीजिए, अब आपकी तारीफों में वो पहले वाली बात नहीं रही। जब कम होता है तो आप कहते हैं फीका है, जब डाल दो तो आपको ज्यादा लगने लगता है। देखा, झट से भेजने के लिए हाँ कर दी। अरे, देख लिया मैंने कितना प्यार करते हैं आप हमें। हाँ। क्या तुम रह लोगे मेरे बिना? ओहो, कितने दिनों बाद हम जा रहे हैं। अरे, हम जाते ही कहाँ हैं माइके? तुम मुझे ये सोच कर बताओ कि तुम्हारे लिए मैं दिन में चुड़ैल बनूं या रात में? बड़ा पेचीदा सवाल है बेटा, इसका जवाब तो सिर्फ एक औरत ही दे पाएगी। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, पर मुझे राजा को क्या जवाब देना है ये तो बता दो। अरे कोई बात नहीं, आप जरूर जाइए, आपकी खुशी में तो हमारी खुशी है। देखा, झट से भेजने के लिए हाँ कर दी। अरे, देख लिया मैंने कितना प्यार करते हैं आप हमें। हाँ। अरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ऑडियो स्टोरी जरूर पसंद आई होगी और सीखने को भी तो काफी कुछ मिला होगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। बाय बाय।